तो हम सब अपने जीवन में कई अलग अलग तरह के लोग देखते हैं। एक तो होते हैं जो हरदम उदास रहते हैं, कुछ भी हो जाए उन्हें उदास ही रहना होता है, वो चुंबक की तरह होते हैं, उदासी खींच लेते हैं अपनी तरफ। एक होते हैं जो समान रहते हैं, खुशी के अवसर में खुश हो जाते हैं, दुख के अवसर में दुखी हो जाते हैं। और एक होते हैं जो हरदम खुश रहते हैं और लोगों को भी खुश रखते हैं, जैसे हमारे राजू श्रीवास्तव जी। मतलब जो इंसान महफिलें लूटता है, जो लोगों के बीच रहता है, उन जैसा इंसान हार्ट अटैक जैसी बीमारी से हमारा साथ छोड़ के चले गए। तो मतलब जो इंसान खुश है और लोगों को खुश रखता है, उसके जीवन में भी दर्द होता है। तो मैंने इस पे एक गज़ल लिखने की कोशिश करी, आप लोगों का साथ चाहूँगा कि धन्यवाद। जो सबको हंसाए, जो सबको हंसाए, उसके भी दिल में दर्द जमा है, शोर में जमघट में रहकर भी वो तन्हा है। जो सबको हंसाए, उसके भी दिल में दर्द जमा है, शोर में जमघट में रहकर भी वो तन्हा है। कल की फिक्र में आज को खो रहे, कल की फिक्र में आज को खो रहे, जी भर क्यों ना जिए हम मौजूद जो लम्हा है। जो सबको हंसाए, उसके भी दिल में दर्द जमा है। अब ये शेर माँ की अहमियत बताता है कि खुद बदन से चूर होकर, खुद बदन से चूर होकर भी उसी का सोचती है, खुद बदन से चूर होकर भी उसी का सोचती है, कैसे बच्चा बेजार रहे पास में उसकी जो माँ है, शोर में जमघट में रहकर भी वो तन्हा है। अब हमारे समाज में लड़कियों को बहुत रोका जाता है अपने सपनों को पाने से, तो उस पर एक शेर है कि जब लड़की अपने सपनों को मुट्ठी में लिए निकलती है, जब लड़की अपने सपनों को मुट्ठी में लिए निकलती है, फिर क्यों उसको रोकना, अपना काम समझता ये जहाँ है, शोर में जमघट में रहकर भी वो तन्हा है। पंछी सा बेखौफ रहूं जो गिरने से डरता नहीं, पंछी सा बेखौफ रहूं जो गिरने से डरता नहीं, बेफिक्री से उड़ रहा मंजिल उसकी आसमां है, शोर में जमघट में रहकर भी वो तन्हा है। जो जीता है सबके लिए दुआओं का बसर है उसमें, जो जीता है सबके लिए दुआओं का बसर है उसमें, चले जिस राह पे पूरे उसके सब अरमां हैं, शोर में जमघट में रहकर भी वो तन्हा है। और हम सब के जीवन में कुछ अधूरी ख्वाहिशें होती हैं, तो उस पर एक शेर है कि कुछ अधूरी ख्वाहिशें हैं पूरी होती ही नहीं हैं, कुछ अधूरी ख्वाहिशें हैं पूरी होती ही नहीं हैं, फिर भी कोशिश कर रहा साथ में मेरे खुदा है, शोर में जमघट में रहकर भी वो तन्हा है, जो सबको हंसाए उसके भी दिल में रहता है। धन्यवाद। तो हम सबको स्कूल में, कॉलेज में, काम में कभी ना कभी कोई पसंद तो आता ही है। अब ये पता नहीं सामने से वो हमें पसंद करता है कि नहीं, तो उस पर एक शेर है कि क्या सचमुच मुझसे लगाव नहीं या बातें करती झूठी तुम, क्या सचमुच मुझसे लगाव नहीं या बातें करती झूठी तुम, क्या खुद ही खुद में मुकम्मल हो किसी के ख्वाब ना पिरोती तुम, तेरे करीब रहने की चाह में मैं आवारा फिरता हूँ, तेरे करीब रहने की चाह में मैं आवारा फिरता हूँ, क्या मेरी एक झलक के लिए कभी आवारा फिरती तुम, क्या सचमुच मुझसे लगाव नहीं या बातें करती झूठी तुम। अब दो तरह के लोग होते हैं, एक तो जिन्हें जो पसंद होता है उसको बोल देते हैं, और एक जो नहीं बोल पाते। तो मैं बोल तो नहीं पाया, लेकिन मैंने कविता ज़रूर लिखी थी। कविता कुछ यूँ है कि तुझसे दिन खिले मेरा तुझी से रात होती है, तुझी से आशियाना है, तुझी से मेरी ज्योति है, तू ही वर्तमान है तू ही भविष्य है मेरा, सिखाया तूने है बहुत, मैं ही तो शिष्य हूँ तेरा, मेरा हर दृश्य तेरा मेरे हर ख्वाब में तू समाए, रास्ता मैं वही चुनूं जिसकी राह तुझसे टकराए, मुस्कुराए तू अगर खुशी से मैं फिरा करूं, दुखी जो तुझको देख लूं खुद से ही मैं गिला करूं, वो करूं जो तू करे, हो ना जाऊं तुझसे जुदा, रोशनी तू जिंदगी तू माना है तुझको खुदा, चाहे मुझ में लाख अंधेरे, तेरे आंगन में दीप हो, जो करे सफल रहे, हर बार तेरी जीत हो। और अंत में एक शेर है कि एक नूर झलकता है तुझमें, हर ख्वाब मुकम्मल कर दे तू,
साथ रहे दो पल चाहे, सारा जीवन खुशियों से भर दे तू, एक नूर छलकता है तुझमें हर ख्वाब मुकम्मल कर।